फिल्मोरा 13 और Adobe Premiere Pro में से कौन सा बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन सा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा फ्यूचर में। सबसे पहले इंटरफेस है एंड इजी टू यूज के बारे में बात करते हैं। तो दोनों सॉफ्टवेयर में से सबसे ज्यादा इजी टू यूज और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो है वो फिल्मोरा 13 का है। अगर आप लोग न्यू हो वीडियो एडिटिंग के अंदर या मोबाइल वीडियो एडिटिंग से पीसी वीडियो एडिटिंग के ऊपर शिफ्ट हुए हो तो फिल्मोरा 13 आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है और आप लोग अपने अकॉर्डिंग वर्कस्पेस को यहाँ पर कस्टमाइज नहीं कर सकते। सिर्फ आप अपने टैब्स को मिनिमाइज कर सकते हो, फुल स्क्रीन कर सकते हो या उनको कट कर सकते हो, जो कि अगेन वही उसी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन अगर प्रीमियर प्रो की बात करें तो उसके अंदर आप लोग अपने वर्कस्पेस को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। जिस भी टैब को ऊपर नीचे जहाँ पर भी रखना चाहो वहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब अगर प्रीमियर प्रो के इंटरफेस की बात करें या यूजर फ्रेंडली के बारे में बात करें तो वो तो ये नहीं है, क्योंकि ये एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इंडस्ट्री के अंदर ये काफी ज्यादा यूज होता है। ये मूवीज को एडिट करने के लिए भी यूज होता है और कई सारे बिग यूट्यूबर्स भी इसको अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए यूज होते हैं, इसलिए इसके अंदर काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन होती है, चाहे वो इफेक्ट्स के अंदर हो, प्रॉपर्टीज के अंदर हो या इसके वर्कस्पेस के अंदर हो। लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप लोग एडिटिंग करना चाहो तो आप लोग थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, आप लोग ट्यूटोरियल्स देख सकते हो और उसके बाद आप लोग अपनी वीडियो को इजीली एडिट कर पाओगे Adobe Premiere Pro के अंदर। अब फीचर्स की बात करें तो दोनों वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक फीचर तो हैं, जो कि कॉपी, कट, डिलीट, स्प्लिट, की फ्रेम्स वगैरह, ये सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, आप लोगों को भी ये पता होगा। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो Adobe Premiere Pro के अंदर है, फिल्मोरा के अंदर नहीं है, और फिल्मोरा के अंदर है और Premiere Pro के अंदर नहीं है, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फिल्मोरा 13 के फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर मोशन ट्रैकिंग वाला फीचर है, स्मार्ट कटआउट, AI मास्किंग, AI पोर्ट्रेट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और इसी के साथ साथ कई और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस किया है फिल्मोरा 13 के फीचर्स को, आप लोग इसको जाकर देख सकते हो। और इसी के साथ साथ फिल्मोरा 13 के अंदर आप लोगों को बिल्ट इन ट्रांजैक्शंस, इफेक्ट्स, टाइटल्स, ऑडियो, AI म्यूजिक, AI स्टिकर्स और बिल्ट इन टेम्पलेट्स वगैरह के साथ साथ बिग लाइब्रेरी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन प्रीमियर प्रो के अंदर बात करें तो आप लोगों को एक्सटेंशंस बाय करनी पड़ती हैं और इफेक्ट्स और बंडल्स बाय करने पड़ते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर यूज करने के लिए। वहीं फिल्मोरा 13 के अंदर आप लोगों को बिल्ट इन सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। अब AI की फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें फिल्मोरा 13 आप लोगों को ऊपर ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे AI के फीचर्स हैं, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। AI को पायलट, AI टेक्स्ट बेस्ड एडिटिंग, AI टेक्स्ट टू वीडियो, AI म्यूजिक जनरेटर, AI वोकल रिमूवर, AI ऑडियो स्ट्रेच, AI कॉपी राइटिंग, AI स्मार्ट मास्किंग, AI स्मार्ट कटआउट और इसके साथ साथ और भी काफी ज्यादा फीचर्स के मैंने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली डिस्कस किया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब जिस टाइम तक मैं अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम तक प्रीमियर प्रो के अंदर सिर्फ एक दो ही AI के फीचर्स हैं। इन्होंने कुछ ट्रेलर रिलीज किया जिसके अंदर आप लोगों को काफी अमेजिंग AI के फीचर प्रीमियर प्रो के अंदर फ्यूचर में देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक जनरेटिव एक्सपैंड, ऑब्जेक्ट एडिशन और ऑब्जेक्ट रिमूवल। आप लोग इसका ट्रेलर भी जाकर यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। परफॉर्मेंस और स्पीड के बारे में बात करें, फिल्मोरा 13 के अंदर फीचर्स तो काफी ज्यादा है लेकिन ये कम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के ऊपर भी चल पाएगा। ये रही फिल्मोरा 13 की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, जो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके एडिट कर सकते हो। और ये इतना लैग भी नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जब भी आप लोग प्रोजेक्ट को सेव करोगे कई बार तो वो सेव हो जाता है और अगर लाइट चली जाए या PC शट डाउन हो जाए उसके बाद आप लोग रीओपन करोगे तो कई बार आप लोगों का प्रोजेक्ट करप्ट भी हो जाता है। सिर्फ यही प्रॉब्लम मुझे फेस करने में आई है इन 2 सालों में जब से मैंने फिल्मोरा 13 को यूज किया। बाकी इसके अंदर परफॉर्मेंस इश्यू तो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम प्रीमियर प्रो के अंदर बात करें काफी ज्यादा लैग देखने के लिए मिलता है। अगर मैं 1080p फुटेज को भी यहाँ वहाँ पर थोड़ा सा एडिट कर लूँ या उसके अंदर थोड़े से इफेक्ट्स वगैरह ऐड कर दूँ या ऊपर कोई लेयर बाय लेयर कोई और चीजें ऐड कर दूँ तो थोड़ा लैग काफी होना शुरू हो जाता है प्रीमियर प्रो एज कम्पेयर टू फिल्मोरा 13। लेकिन प्रीमियर प्रो के अंदर एक ये फीचर है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट यहाँ पर करप्ट भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोगों का PC ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है तो आप लोगों का वो प्रोजेक्ट सेव रहेगा और जैसे ही आप लोग अगेन प्रीमियर प्रो को ओपन करोगे तो आप लोगों को ऑटो प्रोजेक्ट रिकवर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा जैसे ही आप लोग अगेन प्रीमियर प्रो को ओपन करोगे और आप लोगों का वो प्रोजेक्ट रिकवर हो जाएगा और जहां तक आप लोगों ने वो सेटिंग की थी वहीं से आप लोग अगेन आगे एडिटिंग कर पाओगे। और अगर प्रीमियर प्रो की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करें तो ये रही इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स जो कि आप लोग पॉज करके रीड कर सकते हो। अब अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करें तो फिल्मोरा 13 के आप लोगों को 3 प्लान देखने के लिए मिल जाएंगे, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्लान, एनुअल प्लान और लाइफ टाइम प्लान, जिनकी प्राइसिंग आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और इसके ऊपर भी मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर बताया कि आप लोगों को कौन सा प्लान बाय करना चाहिए। तो अगर आप लोग फिल्मोरा 13 के फ्यूचर में बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखना ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कौन सा प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। लिंक इस वीडियो को आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में अगेन मिल जाएगा। और वहीं अगर हम प्रीमियर प्रो के बारे में बात करें तो $23 आप लोगों को पर मंथ देने पड़ेंगे इसको यूज करने के लिए। प्राइसिंग का देखकर डिसीजन लें तो आप लोगों को फिल्मोरा 13 काफी सस्ता पड़ जाएगा। वहीं कंपेयर करें प्रीमियर प्रो के साथ तो प्रीमियर प्रो का जो ईयरली बनता है वो ये कुछ इतना बनता है और अगर हम फिल्मोरा 13 के ईयरली की बात करें वो कुछ
कितना बनता है, जो कि आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क है प्रीमियर प्रो के और फिल्मोरा 13 की प्राइसिंग के अंदर। अब अगर मुझसे पूछते हो कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो को एडिट करना चाहते हो तो दोनों सॉफ्टवेयर ही आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे। लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हो, आप लोग अभी वीडियो एडिटिंग को स्टार्ट करना चाहते हो या मोबाइल से शिफ्ट होकर पीसी को पढ़ाए हो, तो फिल्मोरा 13 आप लोगों के लिए काफी ईजी रहेगा लर्न करने के लिए और एडिटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप लोग फ्रीलांसिंग का सोच कर आए हो और वीडियो एडिटिंग लेवल को आप लोग और भी ज्यादा एक्सटेंड करना चाहते हो, तो इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर जो है वो है प्रीमियर प्रो। आप लोग फिर उसी को यहाँ पर लर्न करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर प्रीमियर प्रो यूज होता है और काफी बिग यूट्यूबर्स यही सजेस्ट करते हैं कि प्रीमियर प्रो के अंदर आप लोग एडिट करना स्टार्ट कर दो। और अगर आप लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा प्रीमियर प्रो। बाकी दोनों ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर काफी अच्छे हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना और मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और आप लोग किसको चूज करोगे फ्यूचर में और किसके अंदर आप लोग वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करोगे। तो कमेंट करके बताना। बाय।